मिले, पिताजी से प्यार मिले, दादा से मर्यादा मिले, नेह बहन भाई से मिले, कवन घराना कैसन तेवर कैसन के कर पानी, भोला हर इंसान के लहू में भी असर खानदानी, आन से भी न्यारा खानदान, जान से भी प्यारा खानदान। चाहे पीएम हो खा अफसर नूरानी, नाम खानदान से ही लोग पहचाने, जियला भर तो हो राके दुनिया बखाने, मुआला पर दे परिवार पिंडा पानी, चाहकत बिहजत रहे लोगवा मिटे नहीं निशानी, भोला हर इंसान के लहू में भी असर खानदानी, आन से भी न्यारा खानदान, जान से भी प्यारा खानदान, 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 खानदान। दादाजी बुआ, अगर हमरा ही घर में रहला से कोई के तकलीफ बा तो हमरे यहाँ से चल गईला में ही भलाई बा। उफो, अरे फिर कहला ना बचपना वाला बात। अरे तू घर छोड़ के चल जाए बा तो तकलीफ और बढ़ जाए। तू का कहे के चाहत बड़े बुआ, हम कुछ समझनी ना। तारा जे भी कहे के बा खुल के कहा। बच्चुआ, जे हालत तोहार बा उहे हालत तोहार बाप के बा। परेशानी के लकीर तोहरा माथा पे ना, तोहार बाप के माथा पे बा। तो एकरा खत्म करे के उपाय काहे नहीं के करत। का देख रहल बा बचुआ, हम तोहार आपन है तोहार दुश्मन ना, और तू बाप बेटा के बीच ए जे बर्ताव चल रहल बा ना, ये हमरा के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं के। देखी बुआ, जे भी हो रहल बा वो पापा के तरफ से हो रहल बा, ए में हमार कोनो गलती नहीं के। बेटा हो तू उनकरा सामने झुक जाएबा ना, छोट ना हो जाएबा, और उनके दिल के बात तू ना समझबा तो के समझी। बेटा के कद जब बाप के कद के बराबर हो जाला ना, तो बाप के लीलार के सिकुड़न अपने आप कम हो जाला। संजय, बुढ़ापा में उनकर जवान अब मजबूत लाठी के सहारा चाहिए। संजय बुआ, हर बेटा के तरह हमरे तो ये चाहत बा। तो देरी कौन बात के बा, भेज दो दिल्ली वाली के वापस और दौड़ के लग जा अपन बाप के गला। अच्छा, तो ई बात बा, जब खुद बस ना चलल कविता के बेइज्जत कैला से तो तोहरा के भेजला हमनी के अलग करेला। जाके कह दा उनका से हम ई घर छोड़ सकीने लेकिन कविता के ना। मैडम आपकी पालक बिल्कुल तैयार। थैंक यू। यू वेलकम।
जब से आप इस घर में आई हो ना, ऐसा लग रहा घर में बाहर आ गई है। नहीं तो पहले तो ऐसा लगता था कि न जाने इस घर की चार दीवारी में कितनी तकलीफें समाई हुई हैं, और अब तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब अपने अपने तरीके से आपकी सेवा में लगे, कोई इस रूप में तो कोई उस रूप में। बंटी, आप मेरी बड़ाई कर रहे हो या खिंचाई कर रहे हो? ये देखिए, आप जैसी अच्छी दोस्त की कोई खिंचाई भी कर सकता है भला? क्या हुआ? मना किया था ना, सुनते ही नहीं हो। इधर आओ। हाय भाई, कितना ज्यादा लगी, कम से कम कुछ दवा तो लगा लो। चलो एक बात बोलूं आपसे, आप बहुत अच्छी हैं। अच्छी कहीं की, वैसे तुम भी बहुत अच्छे हो। अच्छा ये कैसे मालूम पड़ा कि मैं? चकरा के देखो, सीमट जैसे चिपका दिया। सिर्फ तुम ही हो जो मेरे सच्चे दोस्त हो। राम 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 राम, अब तो ये बात सोरा आने पक्का हो गई कि ये घर के बर्बादी से केहू ना बचा सकी। छी छी छी, दिन दहाड़े बेहयाई के नंगा नाच। दिल्ली वाली तो ये घर के बर्बाद करके छोड़ी है। ये पूनम कहां बाड़ी? पूनम, ये पूनम। अरे अरे भाई, चोटला गल का दीदी रोगा। अरे इतना हबराइल का है बनी रोगा? अरे हम तोरा लगे ही आवत रही। अच्छा भाई, जब तुम मिल गई लू हमरा। का बात भाई? ये मोलिया, ये का रे, रसोई घर छोड़ के एने ओने कहा चिचियत बाड़ू? हाँ, रसोई घर में मन नहीं खेलागत तो आर बेसी भकल घोड़ी मत बन, चल जो यहाँ से। जात बने, जब देखा तो इनका गुस्सा नाके पर रहेला। दीदी जी आए है ने, काहे इतना खिसियाइल बनी? कोनो बात पता हमरे से कोई ना? अरे यही जा का कहीं, यही जा तो दीवारों के भी कान होला। चला हमरा साथे, चल। अरे बता बता नहीं हम। ए दीदी जी, बात का बा बताई ना, रउर तबीयत ठीक बनू? हमार तबीयत के का होखे वाला बा? बैठ 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 बैठ। अरे तबीयत तो तोहार बिगड़े वाला बा, तोरा मालूम बा ई घर में का खिचड़ी पक रहल बा? का पहले अपन बंटिया के हाथ कोड़ बांध के रखो, ना तो वो हाथ से बेहाथ हो जाइए, और तू दोनों प्राणी हाथ मलत रह जाइबू। फिर भैल का दीदी जी? अरे भैल का, हे भगवान, हम का देख के आ गई नी? आई सब देखे से पहले हम अंधा हो जाती तो अच्छा रहित। अरे घोर कलयुग आ गई बा, घोर कलयुग। अरे और कूद कूद के कपार पे हाथ रख के आशीर्वाद दो, एकदम भस्मासुर बन गई भी आई दिल्ली वाली। काका देलस दिल्ली वाली? अरे सुना, अरे बंटिया के साथ रसोई घर में हाथ पकड़ के तो कला में भी शरम आवत है। छी छी छी, अरे नैन मटक का करत रहे। अरे संजय वाके तो पहले ही अपन बाप से अलग कर देलस। अब हमरा लागता के बंटियों के तो माय बाप दुनू से अलग कर दी। अच्छा, ई बात बा? हम अभी देखत हैं बंटिया ऐसे कैसे कर सकेला। दीदी ऐसन करी कि रउवा थोड़ी देर आराम करी, ताले हम देख के आवत हैं। ये ठीक बात नहीं कहनु? हाँ। बड़ी आयल बिया दिल्ली से ही जा राज करे, हम देखता नहीं कैसे राज करता है। वाह, क्या बात है, क्या टेस्ट है, ओह मजा आ गया। नमक नमक कैसे है? एकदम परफेक्ट। अरे फाइव स्टार का कुक भी आपके सामने फेल है, मालूम है? अरे ये रसोई घर में का करत रहे लोग? अरे माई, का पनीर के सब्जी बनल बा, ऐसा सब्जी तो आज तक चखल ही नहीं की। आहा हा, का बताई, बहुत बढ़िया, जे खाई उंगली चाटत रह जाई माई। बस बस, बहुत तारीफ हो गई, ज्यादा तारीफ करोगे तो खाने का टेस्ट कम हो जाएगा। अरे तनी हमू तो देखी कि का बन रहल बा। अरे तुम्हें ये सब भी आता है?
जी बस थोड़ा बहुत, लेकिन मैं जल्दी ही सब बनाना सीख जाऊंगी। आप सिखाएंगे ना मुझे? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरे माई माई जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। तू हो कहाँ फंस गई इनके इमोशनल गियर में? अरे सब सीख ले वाली, बाकी केहू के बतावे के नहीं की चाहत। काहे कि अगर बता दी तो डेली ड्यूटी नहीं लग जाई बनावे में। बात पागल। अच्छा तो अब आप आंटी जी के कान भी भरने लगे? जी। अरे बेटा इसके मुंह में जो आता है वही बोलने लगता है। तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना, घर में सबसे छोटा है ना, सबके मुंह लग गया है। नहीं नहीं छोटी माँ, बंटी बाबू मेरे बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड बहुत मुश्किल से मिलता है। एक्सक्यूज मी, ये बाबू बाबू क्या लगा रखा है? बंटी नाम है मेरा, बंटी बोलिए। अच्छा बाबा, बंटी, सिर्फ बंटी। अभी चलो खाने का वक्त हो गया, चलो हम लोग खाना लगाते हैं। ठीक है मैं फटाफट टेबल में खाना लगाता हूँ। चल हम तो हाथ बटाए थे। छोटी माँ बस आप इतना हेल्प कर दीजिए कि पापा आज खाना खा ले। कल की तरह वो खाने के टेबल पर से उठ कर ना जाए। तुम निश्चिंत रहो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमने आज खाना ही नहीं बनाया है बल्कि इसमें अपना प्यार और स्नेह का रस घोला है। भला इसे कैसे कोई अलग कर सकता है? वाह क्या बात है, क्या सुगंध बात, ये बनेलो से द। अरे एक ठुआ द। चलो बेटा चलकर खाना खा लो। नहीं छोटी माँ, मैं आपके साथ खा लूंगी। वाह क्या बात है, क्या संस्कार है, लड़की हो तो ऐसी, साक्षात लक्ष्मी। तो खाना शुरू कर जाए। एगो खुशी के बात बताई, ये जो इतना बढ़िया मजेदार खाना बनल बा, ये कविता के हाथ का बनल बा। खाना शुरू करो, हम आवत नहीं। भैया ये सामने रखल खाना छोड़ल अशुभ होला। ये सब तो अब हमें रहुए से सीखनी है। वैसे भी हमने के समय ठीक नहीं खेल चला।
शुरू करी ना। भूख नहीं क्या हमरा? अरे हमार बिया नहीं खे ये हमरा किस सेंट लगावा था लो अभी यो बिया करे के शौक लगल बा का कहे सौतन चाहते रहो तो बोला हम अभी यो तैयार बानी बिया खातिर हां जाए पहले अपन बेटी के बिया करी फिर अपन करब बुद्धि घोड़ी लाल लगा घोड़ी ना घोड़ा लंगूर कितना गुड़ हो जाए पलटी मारे ना छोड़ अच्छा तो यहाँ अकेले में बैठ के पेटी खाते रोता नहीं हाँ ना हम कहाँ रोते नहीं झूठ मत बोली आंसू सब गवाही दे रहे बा कि रोत रही कि हंसत रही मन तो भारी हो ये चाला सुमित्रा इतना तो रोवा अपन बेटी के बखत भी ना रोले रहे तोरा सामने बैठ के रोती तब ना आ तू तोरा था देखनी की विदाई घड़ी कैसे इसने आके पकड़ के बुखार पार के रोवत रहो तो ना रोई हम रवो कहाँ जाना रवा बेटी के विदाई के पकड़ माँ के घर जब पार जाना नाता रिश्ता सब छोड़ के दूसर घर बसाना कितना मुश्किल हो रहा बेटी के घर में ये तो समझ कर नहीं रहा अच्छा चलो उठी हाथ मुंह धो के कुछ खा ली और खूबसूरत हो जाले चला हटी कि वो देखे ना तो कहीं के ई उम्र में प्रेम रोग भेल बा काहे हम चाहे तो आज भी दूसर ब्याह कर सकेले अच्छा तो जाके करी ना के रोक ले बा रउआ जैसन बला से पीछा छुटी हमार ना इतना आसानी से ना छोड़ो चल गेला के बाद तुहार अहमियत हमरा के बुझा तो ये वो पत्थर है जिन पे कितना भी प्रेम की रस्सी रगड़ोगी ना सिक्कन तक नहीं आने वाली है टिपिकल राजपुताना शान के धरोहर हैं ये लोग तुम यहाँ के लोगों को नहीं जानती इन्हें दूसरों को दुख पहुंचा के खुश होने की आदत है
मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, इनके रग रग से वाकिफ हूँ मैं। चाहत भी हसत रहे लोगवा मिटे नहीं निशानी, खोला हर इंसान के लहू में भी असर खानदानी। आन से भी न्यारा खानदान, जान से भी प्यारा खानदान।